हेलो फ्रेंड, 50 दिन सांसें फूल रही होंगी, डर लग रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गया है 15 अक्टूबर, आप सब जानते हैं। सवाल ये है कि अब एग्जामिनेशन में जो 50 दिन बचे हैं इसको कैसे प्लान किया जाए। वैसे मेरी माने 50 दिन ही आपके पास 40 दिन, क्योंकि बीच में कुछ एक आध दो दिन करके हो सकता है कुछ दिन खराब हो जाए किसी न किसी कारण से, क्योंकि हर कोई अकेला तो होता नहीं है, सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो इतना मान के चली तो प्रोग्राम मेरे हिसाब से आपका 40 दिन का होना चाहिए, 50 दिन का नहीं होना चाहिए, 40 दिन के अंदर करना है। 10 दिन और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो डर और घबराहट है, ये तो समझ में आता ही है जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि एक जो लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं और हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी भी हाल लगभग वही है, उनके पास भी उतना ही डर होता है क्योंकि सीटें भी कम है, और दूसरे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके बारे में बात करेंगे और अभी क्या क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए। सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा जो आपका डिमांड था इकोनॉमिक्स को लेकर, और इकोनॉमिक्स को लेकर था, ज्योग्राफी को लेकर था, वो भी डाल दिया, हिस्ट्री का भी डाल दिया, और भी देखता हूँ। तो अभी हम लोग बात करते हैं फिर उसका क्या क्या किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए इसके हम लोग। सबसे पहले अभी जो एग्जाम देने जा रहा है उसमें स्टूडेंट की दो कैटेगरी होगी, एक कि जो BCS एग्जाम यानी BPSC जैसे एग्जाम को दे रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, देते आ रहे हैं लगातार दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो सकता है, एक जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे। और ये जो फ्रेशर हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है, ये भी दो तरह के होंगे, एक या तो एकदम से ग्रेजुएशन करके 2-4-5 महीने से तैयारी करने पे लगे हैं, दूसरे वो होंगे जो कोई और एग्जाम दे रहे होंगे जैसे SSC रेलवे बैंकिंग दे रहे होंगे, अब लगता होगा कि नहीं PCS भी देना चाहिए तो वो PCS में कूद पड़े, तो उनके लिए भी पहला अटेम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, और एक चीज जो सबको कनेक्ट करेगी, एक चीज जो सबको कनेक्ट करेगी वो है बिलीव, विश्वास। ये बहुत मतलब ये बिलीव की जो शक्ति है ना, पावर है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं जो विश्वास करना जानते हैं। और समस्या पता है कि अभी मैं प्रूफ कर देता हूं। अभी बात करते हैं सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट का जो लगातार PCS का एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई भी कर रहे हैं, कुछ में नहीं भी कर रहे होंगे, अब बिहार के में अगर उनकी बात की जाए तो वो भी घबराए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी घबराए हुए, 50 दिन में क्या करे, जब भी करते पहले से आ रहे हैं घबराए हुए हैं, ये पढ़े वो पढ़े क्या करे, उनको करना क्या है। वो मेरे हिसाब से, और एक्चुअली बात ये है भी कि वो 80% तैयार है, वो BPSC के PCS की एग्जाम के लिए के क्वालिफाई करने के लायक 80% है, 20% ही है जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, जिसके अंदर इंक्लूड होगा कुछ नए फैक्ट्स जो करंट अफेयर्स या बिहार स्पेशल के रूप में हो सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होगा रिवीजन, और उसके अंदर इंक्लूड होगा बिलीव, विश्वास, जिसकी कमी होती है, निहायत ही कमी होती है विश्वास की। तो इन तीनों चीज को अगर इंक्लूड कर दीजिए तो वो क्वालिफाई करने लायक है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और घबराहट होती है और डर लगता है, बेचैनी होती है, उसके कारण जो परफॉर्मेंस है वो काफी गिर जाता है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं बताऊंगा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट को लेकर, तब फिर बात करते हैं क्या क्या फोकस किया जाए और कहाँ पे कंसस रहा जाए। तो यहाँ पे बिलीव आपको करना ही पड़ेगा कि आप क्वालिफाई करने लायक हैं, बस थोड़ा और इम्प्रूव करना है। जैसे जिस दिन बिलीव कर लिए, आपकी जो ब्रेन है ना वो 400 गुना अधिक स्पीड में काम करेगी, आप बहुत कूल एंड काम होंगे और ग्रास्पिंग कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वही सारी चीजों को तो पढ़ा है, बस उसको अरेंज फॉर्म में थोड़ा सा कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, करंट अफेयर्स ऐड कर देना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। नहीं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये काम एक तो ये मैसेज है जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं। जो फ्रेशर हैं वो दो तरह के हैं, एक तो PCS कहीं SSC रेलवे और कहीं का एग्जाम दे रहे थे, अब उनको लग रहा है PCS करना चाहिए, या एक वैसे हैं जो बिल्कुल 5-6 महीने से तैयारी करके आ रहे हैं। लेकिन ये भी जो है ना, अगर बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कभी कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम नहीं दिया है, मेरे तब भी मैं समझता हूं कि वो 40-50% फैक्ट बिहार के प्रिलिम्स के स्टैंडर्ड में, मेंस की बात नहीं कर लिया जा रहा है, प्रिलिम्स के स्टैंडर्ड में वो 40-50% जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको नहीं पता है। ये अलग बात है कि उस फ्रेशर को नहीं पता है कि वो 50% तैयार हैं, उनको लग रहा हो कि न्यू कमर है, कैसे होगा क्या होगा। आप
जो पुराने स्टूडेंट है ना उससे 20-30% ही कम हो, ज्यादा नहीं हो। तो आप अगर अभी से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे स्ट्रैटजी के साथ, पूरे डेडिकेटेड होकर अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, तो बीपीएससी 64-65 की जो प्रीलिम्स है वहां आपकी भी दावेदारी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितने किसी और स्टूडेंट की होगी। क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी होता तो कहानी कुछ अलग होती, लेकिन ये बीपीएससी है। यहां पे अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होके, बिलीव के साथ, डेडिकेटेड होके पूरे प्लान वे में तैयारी करेंगे, तो आप डेफिनेटली 80% जो तैयारी कर रहा है उसको भी पीछे कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं को कर पाएंगे जिनके अंदर बिलीव कम होगी, विश्वास कम होगा। उसके बाद वैसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, देने के बाद पीसीएस के अंदर आ रहे हैं कि यहां पर भी हाँ साफ कर लिया जाए, तो अब वो भी अपने आप को नया मानते हैं। समस्या क्या है कि वो भी अपने आप को न्यू कमर मानते हैं, तो ये भी मुश्किल काम है। क्योंकि तो आप बीपीएससी का जब प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे उसके बाद अपने आप को न्यू की पहला अटेम्प्ट है मानना, या तो खुद को बेवकूफ बनाना है या जानकारी ही नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं खुद के बारे में, या खुद को बेवकूफ बना रहे हो या दुनिया को बना रहे हो, जो भी है। तो ना खुद को बनाइए ना किसी और को बनाइए, क्योंकि इसका साइड मतलब आप पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी 60-70% उसी लेवल पे हो। 60% तो आप हो ही हो कम से कम। और आप भी अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, तो अभी एग्जाम निकालना मुश्किल है। इन 40 दिनों में क्या करें? अब 40 दिन, मैं 50 दिन की बात ही नहीं कर रहा, 40 दिन। इन 40 दिनों में क्या करें? सबसे पहले और सबसे अहम, जिसको सबसे पीछे रख दिया जाता है, और ये अंतर क्रिएट होता है, पता है कैसे? यही अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। जिसको सबसे पीछे आप कर देते, वो है आपका रिलैक्स होना, वो है आपकी नींद, और वो है आपका खाना पीना। पढ़ाई तो बाद की बात है, पढ़ाई तो कर ही लेंगे, लेकिन इस टाइम में सबसे पहले इग्नोर किया जाता है खाने पीने को। हेल्दी खाना छोड़ के स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, एनर्जी लेवल चली जाती है, ठीक है, एनर्जी लेवल आपकी समाप्त हो जाती है, पता नहीं चलता है, क्योंकि दिमाग उस समय एक अलग पेस में होता है और उसको समझ में नहीं आता, वो बॉडी को कहीं भी खींच के लेके चला जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी और आपका माइंड, आपका आपके माइंड के साथ आपका बॉडी साथ नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है ना। सबसे पहले खाने पीने को सुधार, ये सबसे अहम है। पढ़ाई साइड में करो अभी। दूसरा, रिलैक्स रहिए, नींद लीजिए पूरा, गाना सुनिए, मूवी देखना, गाना सुनना गलत नहीं है, लिमिट में होना चाहिए। म्यूजिक जरूर सुनिए, ईयरफोन लगाओ नहीं लगाओ, लाउड म्यूजिक लाउड होना चाहिए। ईयरफोन बिना लगाए आप बढ़िया सा स्पीकर रखिए और खूब जब के म्यूजिक म्यूजिक सुनो, दो चार ही गाने सुने, 2-4 घंटे पे, लेकिन उसको सुनिए। उससे क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे। और पता ही है, म्यूजिक थेरेपी भी होती है लोगों को रिलैक्स करने के लिए, जरूरी है। अब यहाँ इसके बाद पढ़ाई पे आएंगे। आपको लगेगा कि ये तो उल्टा कर रहा है, ये शख्स उल्टा बता रहा है, लेकिन ये सबसे सीधा तरीका है और सबसे सटीक तरीका है। अब आपको उसके बाद पढ़ाई की बात करते, तो पढ़ाई की बात तो होती ही रहती है। अभी अब टाइम न्यू कमर के लिए, नए स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं है कि मोटी मोटी किताबों को पढ़ा जाए। तो जो फैक्चुअल किताबें हैं, लाइक फैक्चुअल में इसके पांडे की भी किताब आप ले सकते हैं, वो भी फैक्चुअल ही मैं मानता हूं, क्योंकि उसमें वन लाइनर है, लुसेंट की किताब है ही है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, बस उसको देख के वहां से फैक्ट याद करो और निकल जाओ। अब पूरी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि टाइम कम है, आपको रिवाइज ज्यादा करना है। तो रिवीजन आपको ज्यादा करने के लिए जो पतली पतली जो भी फैक्चुअल वन लाइनर फैक्ट वाली किताब है वो कर लीजिए। उसके बाद जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं किताब, तो वो बस पेज पलटते जाओ, रिवाइज करते जाओ, पेज पलटिए, रिवाइज कीजिए। उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, क्योंकि मेंस की एग्जाम अभी आपको नहीं देनी है, फैक्ट याद करना है, आगे बढ़ जाना। ये रहा दो सवाल। अब तीसरा एक और है, करंट अफेयर्स, बीपीए बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स के लिए जितना आप लोग परेशान होते हैं ना, जितना परेशान होते हो, और बिहार करंट अफेयर्स हर बार एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आता है, उसके पहले नहीं आती बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। मैगजीन के रूप में आपको 1 महीना पहले मिलेगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। 2 महीना पहले आएगा तो कोई मतलब नहीं, उसके बाद का जो फैक्ट अगर पूछ दिया जाए तब तो हो गया। और क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि कब का सेट होता है, उर्जित पटेल जब थे तभी क्वेश्चन पेपर सेट हो गया था, और जब चेंज हो गया तब आप एग्जाम दे रहे थे और इस चक्कर में गलतियां हो गई,
तो करंट अफेयर्स आपको एक महीना पहले मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए परेशान एक महीना में अगर आपने अपने सारे पोर्शन को तैयार कर लिया तो करंट अफेयर्स का तो 5% हिस्सा बचता है। बीपीएससी का करंट अफेयर्स 5%, बिहार स्पेशल की बात कर रहा हूं, 5% हिस्सा है बस, 5% से भी कम है, 3% रख लो, उस 3% को बाद में तैयार कर लीजिए, कि उस 3% का इफेक्ट आपके और सब्जेक्ट पे पड़ रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो अभी आप आंख कान नाक जो भी रहता है वो जहां से भी कंसंट्रेशन निकल रहा है निकाल के पूरे जो और सब्जेक्ट है बिहार करंट अफेयर्स के अलावा, तो बिहार स्पेशल आपके पास होगा ही, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के फैक्ट को आप लोग एक जगह कलेक्ट करके याद कर लीजिए और बिहार करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, एक महीना पहले आएगा वो हो जाएगा, आप वहां से आराम से कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, और ये याद रखनी है ये सारा तभी काम आएगा, ये सारी चीजें तभी काम आएगी जब आपको बिलीव होगा कि आप बीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिलीव करना होगा, और बिलीव कर लिए तो आप 10 साल पुराने स्टूडेंट को भी बहुत ही आसानी से पीछे कर सकते हैं, और बिलीव रहा तो आप कितने भी पुराने स्टूडेंट हो, कॉन्फिडेंस कितना भी चला गया हो, अगर विश्वास हो गया कि इस बार मैं निकाल सकता हूं तो आप डेफिनेटली इस बार ले लेंगे, सीटें भी अच्छी है, भले वैकेंसी कम हो बट सीटें अच्छी है, आप मेहनत कीजिए, और टाइम है, टाइम नहीं है ये कहना गलत है, टाइम है और आप बहुत ही आसानी से इतने कम टाइम में इसको कर सकते हैं। बस याद रखिएगा बिलीव, रिवीजन बार बार करना है और रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, ये जरूरी है। तो बस यही था, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो इसी वीडियो के नीचे आप मैसेज कर दीजिएगा, अपने कमेंट को छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा, जरूरत पड़ेगा तो जब टाइम मिलेगा तो मैं उसको देखूंगा, और लगेगा तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा।